तो दोस्तों वृद्धा विधवा एवं विकलांग पेंशन उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल मई और जून की जो पेंशन है तो वो जून की 22 तारीख को वृद्धा पेंशन डाल दी गई थी और लोगों के अकाउंट में 25 तारीख 26 तारीख को यहाँ पर पहुँच गई है। PFMS वाली वेबसाइट पर आप जाकर अपना स्टेटस चेक करेंगे, वहाँ पर शो होना शुरू हो गया है और विकलांग और विधवा पेंशन वो भी लोगों के अकाउंट में पहुँचना शुरू हो गई है। आपको स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे कि एक बंदे का मैंने चेक किया था तो बेनिफिशरी स्टेटस जो है PFMS वाली वेबसाइट पर वहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। और आप लोग भी यदि चेक करना जानते हैं PFMS वाली वेबसाइट पर तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर यदि शो हो रही है, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो अगले दिन आपकी या कुछ ही घंटों में पेंशन आ जाएगी। तो देखिए, ये एक बंदे की मैंने चेक की थी, यहाँ पर ये जो बुजुर्ग यानी कि जो वृद्धा पेंशन है यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, यहाँ पर 26 जून 2024 दिख रहा है। तो 26 जून को यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो कुछ ही घंटों में ये पेंशन आ गई थी। तो आपका भी कुछ ऐसे दिख रहा है PFMS वाली वेबसाइट पर, जब आप चेक करेंगे अपनी जो है पेंशन की ID नंबर डालकर, तो आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो विकलांग पेंशन है और जो विडो पेंशन है, विधवा वाली पेंशन, वो भी लोगों के अकाउंट में 25 तारीख 26 तारीख और 27 तारीख को लोगों के अकाउंट में आई है। तो यदि आपके PFMS वाली वेबसाइट पर ये शो हो रहा है प्रोसेसिंग, तो आपके एक आध घंटे में आ जाएगी, नहीं तो अगले दिन आ जाएगी। और जिन लोगों का नहीं शो हो रहा है उन लोगों को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों का भी पैसा इसी महीने में आ जाएगा, क्योंकि सभी लोगों का अभी पैसा नहीं पहुंचा है और ना डाला गया, धीरे धीरे करके इसी महीने सब लोगों का आ जाएगा। अगली 15 तारीख तक यानी कि जून के बाद जो अगला महीना लगेगा जुलाई का, उसमें 15 तारीख से पहले पहले सभी लोगों की, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो, बुजुर्ग, जो भी पेंशन हो आ जाएगी। लेकिन ये उन्हीं लोगों की पेंशन आएगी जिन लोगों की लगातार पेंशन आ रही है, जो लोग EKYC करा के रखते हैं, सारा कुछ उनका कंप्लीट होता है, उनकी आएगी। और जिन लोगों की नहीं आ रही है, एक दो सालों से पेंडिंग में है, कई किस्तें नहीं आई हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी जो जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क करें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर चेक कराएं EKYC, और जो भी दिक्कत है वो आप दुकान पर जाकर चेक कर लेगा जनसेवा केंद्र वाला, तो आप वहाँ पर कोई दिक्कत है तो दिखवा लें, नहीं तो आपको जिला समाज कल्याण विभाग जहाँ पर आपने पेंशन बनवाई थी वहाँ पर जाकर अधिकारियों से बात कर सकते हैं और आपकी भी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। तो आप सबसे पहले EKYC ज़रूर कराएँ, उसके बाद में PFMS अपने अकाउंट में यानी जो भी बैंक अकाउंट है उसमें PFMS यानी DBT ऑन जरूर कराएं, क्योंकि हो सकता है आपके कई अकाउंट खुले हो कई बैंकों में, तो जिस बैंक में PFMS ऑन होता है, PFMS चालू होता है, या यूं कह लो कि DBT ऑन होता है, उसी अकाउंट में पैसा आता है। तो दोस्तों PFMS वाली वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि आप चेक करने नहीं जानते हैं तो आपको हम एक वीडियो बनाकर देंगे जिससे आप घर बैठे ही चेक करना जान जाएंगे। तो ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।